जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा शब्द बताने जा रहा हूं कि जिसके जरिए आपको अपना प्यार और पैसा दोनों ही मिल सकता है। मतलब यदि आप भरे पूरे परिवार में रह रहे हैं तो आपके परिवार में प्यार की भावना बढ़ेगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। दोस्तों, जब भी कभी ऐसी बात आती है कि ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा मायावी शब्द है कि जिस एक शब्द के जरिए आपको संसार के सारे ही सुख प्राप्त हो सकते हैं, तो शब्द एकमात्र कृष्ण है। अब कृष्ण के कौन से शब्द का आप प्रयोग करें, किस तरह से प्रयोग करें कि आपको जो आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है, ऐसा पैसा और प्यार दोनों ही आपको भरपूर मात्रा में नसीब हो, भरपूर मात्रा में मिले। तो आज के वीडियो में यह मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं आपको कि हम इस चैनल के माध्यम से अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, हमारे प्राचीन ग्रंथ, कई ऐसे तंत्र मंत्र, टोने टोटके, पूजा विधि, व्रत त्यौहार आदि के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो यदि आप भी इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा मंत्र कि जिसको यदि आप लिख करके भी रख लेते हैं। देखिए, किसी भी मंत्र को, कोई भी मंत्र के कितने ही हजार जाप क्यों ना बताए जाएं, लेकिन उन जापों में सबसे बढ़िया बात, यानी सबसे मूल बात यह होती है कि किस मंत्र में, किस जाप में आपका मन रम गया, कब रम गया, कब आप उसमें खो गए, विलीन हो गए, बस उसी समय वो मंत्र जागृत हो गया। उस मंत्र से आपने जिस किसी चीज को अभिमंत्रित करनी है वो अभिमंत्रित हो गई। तो यदि आप अत्यधिक पैसे और प्यार को चाहते हैं, इन दोनों चीजों को चाहते हैं, और यदि आपके मन में इसके लिए प्रबल भावना है, तो यदि आप इसको लिख करके सिर्फ अपने पास भी रख लेंगे तो भी ये मंत्र जागृत हो जाएगा और अपना कर्तव्य दिखाने लग जाएगा और आपको इसका फायदा मिलने लग जाएगा। लेकिन यदि आप चाहें तो इस मंत्र की आप एक माला कर सकते हैं, 108 मनके की श्री कृष्ण की प्रतिमा या मूर्ति या तस्वीर रख लें। नहीं रखेंगे तो भी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण संसार कृष्णमय है। इस भावना के साथ कोई भी माला लिए बिना किसी भी दिशा में बैठ करके सवेरे प्रातः समय जब सूर्योदय हो रहा है उस समय आप इस मंत्र को बोलना प्रारंभ कर दें। जोर से बोले, मन ही मन बोले, धीरे धीरे बोले, चाहे जैसे बोले, लेकिन एक बार बोल लें। मतलब किसी भी एक दिन जब भी आप इस क्रिया को प्रारंभ करें, एक बार आप इसको बोले, संपूर्ण मन के साथ, संपूर्ण भाव के साथ आप इसको बोले। बहुत चमत्कारिक मंत्र है, इतना प्रभावशाली मंत्र है। जिस जिस व्यक्ति ने इसको किया, उस उन सभी लोगों का घर परिवार पैसे टके से वो सुखी संपन्न है। हर वो चीज उनको प्राप्त हुई है जो उनको चाहिए, जो मानव जीवन को चाहिए, जिसके लिए मानव कल्पना करता है, ऐसी सब चीज, हर वस्तु उन व्यक्तियों को मिली है जिन जिन व्यक्ति ने इसका संपूर्ण भाव के साथ में मनन किया है, जपन किया है, लिखकर रख लिया है या लगातार इसमें खो गए हैं। तो मंत्र में बता देता हूं आपको क्या है। ओम क्रम कृष्णाय नमः, यह मंत्र है। बीज मंत्र लगा हुआ यह मंत्र अपने आप में अति अत्यंत शक्तिशाली है। इसको यदि आप करना चाहें तो
तो पीले आसन पर बैठ करके इसको करें। पीले ही आसन पे कृष्ण जी की या विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा लगा लें, फोटो लगा लें, तस्वीर कुछ भी इत्यादि अपने सामने रख दें। नहीं है तो सूर्योदय के समय पे सूर्य भगवान के सामने बैठ करके और इस मंत्र को मन ही मन जपें। हो सके तो पीला कपड़ा पहने, जब भी आप इसको करें तो, और इसके चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि नहीं कर सकते हैं तो इसको आप लिख करके अपने पास रखें, इस मंत्र को आप लिख लें और अपने पास में रखें। जब भी समय हो सिर्फ इसे देख ले, कोई भी दुविधा भरी स्थिति हो, कोई भी ऐसा समय संजोग हो, इसको निकाल करके देख लें। ये अपने आप में एक्टिवेट है और आपको भी एक्टिवेट कर देगा और आपके एक के बाद एक सारे काम बनते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए देव प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।